बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर है, आप देख रहे हैं टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि इजी पैसा अकाउंट को अगर आप चाह रहे हैं, मैं परमानेंटली बंद करवाना चाह रहा हूँ, अगर आपने जैज या टेनर या यूफोन या जोंक की सिम पर इजी पैसा का अकाउंट ओपन करवाया था, तो आप चाह रहे हैं मैं अदर नेटवर्क के अकाउंट को भी बंद करवाना चाह रहा हूँ, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम इजी पैसा अकाउंट को बंद कैसे करवा सकते हैं। आपको प्रैक्टिकली वीडियोज बनाऊंगा, आपको कोई फेक वीडियो नहीं है ना, आपने वीडियो को स्किप करना है। तो इसके लिए पांच चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं, पांचों चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी होती है, उस बिना पर आप अपने इजी पैसा अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें, जो आपका इजी पैसा अकाउंट है उसमें आपने इजी पैसा एप्लीकेशन में ओपन करें, उसका आपने बैलेंस जो है वो जीरो कर देना। एक रुपया भी आया तो आप किसी भी इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसका बैलेंस जीरो करना है। बैलेंस जीरो करने के बाद आपके पास वो इजी पैसा अकाउंट जिस सिम पर एक्टिवेट है वो सिम भी आपके पास होनी जरूरी होती है। अक्सर अवकात इस तरह भी होता है, किसी के पास वो इजी पैसा जो ऐप अकाउंट है उसका नंबर जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप इजी पैसा अकाउंट बंद नहीं करवा सकते। सबसे पहले आपको वो सिम की जरूरत होगी जो आपके नाम पर सिम है, जिस पर इजी पैसा अकाउंट ओपन है। तो उससे आपने अगर अदर नेटवर्क के यूजर हैं, जैसे मान लें आपने जैस की सिम पर ओपन करवाया है, जोंक की सिम पर है, या टेलनॉर की सिम पर भी ये वर्क कर सकते हैं, आपने उनकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी होती है। आपके पास सीएनआईसी नंबर होना चाहिए और उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड की डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ साथ आपने अपनी मदर का नेम और आपका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तो आपके सामने हम उनकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर आपने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कैसे करनी है। यहाँ पर आपके सामने हमारी जो कॉल है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो वो दोस्त वीडियो को लाइक करना है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लात पर सब्सक्राइब करें। तो इजी पैसा कस्टमर केयर में खुश आमदीद। फ्रॉड से मुतल्लिक फौरी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए दो मिलाएं, दीगर मालूमात और कंप्लेंट्स के लिए एक मिलाएं। अस्सलाम वालेकुम, इजी पैसा कस्टमर केयर में खुश आमदीद। फ्रॉड से मुतल्लिक फौरी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए दो मिलाएं, दीगर मालूमात और कंप्लेंट्स के वीडियो लिए को लाइक कर दें। जो दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी कर दें। खबरदार होशियार, अपने अकाउंट को फ्रॉड से बचाएं। किसी को भी अपना पिन ओटीपी हरगिज ना बताएं और किसी अनजान शख्स को पैसे भेजते वक्त एहतियात कीजिए। आप किसी भी वक्त इजी पैसा हेल्प लाइन से रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। इजी पैसा मेन्यू के लिए एक दबाएं, ब्रांच बैंकिंग मेन्यू के लिए दो दबाएं। मालूमात दोबारा सुनने के लिए इजी पैसा डेबिट कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए छह दबाएं। इजी पैसा ऐप और इसमें मौजूद मुख्तलिफ सर्विसेज की मालूमात के लिए एक दबाएं। इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के बारे में जानने के लिए दो दबाएं। इजी पैसा कैंपेन्स की मालूमात के लिए तीन दबाएं। इजी पैसा मोबाइल अकाउंट से किसी भी अकाउंट या शनाख्त कार्ड पर पैसे भेजने या किसी भी नेटवर्क पे इजी लोड करने और बैरूनी मुल्क से रकम अपने इजी ना दबाएं। हमारे नुमाइंदे से बात के लिए सिर्फ दबाएं, हमारे बाद दोबारा सुनने के लिए स्टार दबाएं। अगर आपको इजी पैसा अकाउंट आगाही के लिए कॉल करता है और आपसे ओटीपी मांगता है तो जान लें ये पिन चोर है। आप किस जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली ना मैं जानना चाह रहा हूँ जो इजी पैसा अकाउंट अगर हमने अदर नेटवर्क पर ओपन करवाया तो उसको हम बंद कैसे करवा सकते हैं। जिस नंबर पे अकाउंट बना हुआ ना जी, उसी नंबर से कॉल करके। तो उसके लिए आपने कॉल करें इसी में अकाउंट? नहीं, मेरा दूसरे नंबर पर बना हुआ। ठीक है, आपने अकाउंट क्लोज करवाना जिस नंबर से आपको, मतलब पहली बार आपने सर आपने टेम्पररी करवाना है परमानेंट? परमानेंट। ठीक है, तो सर जिस नंबर पे अकाउंट है ना उस नंबर से आप रब्ता कीजिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए? वही इन्फॉर्मेशन जब आपको बस अकाउंट बनाते हुए आपसे ली गई थी, नाम शनाख्त कार्ड वगैरह वो चीज़ें। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सही है सर? ठीक है, मेहरबानी।
शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।